हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम ओथेलो को डिस्कस करने वाले हैं। ये आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी डी ट्रिपल एस बी यूके एलटी ग्रेड सब जगह ये इंपॉर्टेंट है ओथेलो, क्योंकि शेक्सपियर की ट्रेजेडी है। तो स्पेशली मैं यूके एलटी जहाँ पे आपके ओथेलो भी है, इसके पहले मैंने एज यू लाइक इट, मैकबेथ और आपका ट्वेल्थ नाइट, उन तीनों को डिस्कस कर लिया है, क्योंकि वो तीनों ही प्ले आपके यूके एलटी ग्रेड में है और यूपी टीजीटी पीजीटी में तो है ही है। तो मैंने वो डिस्कस कर लिया, आज हम ओथेलो को डिस्कस करने वाले हैं, इसकी समरी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके कैरेक्टर्स को देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हैं ड्यूक ऑफ वेनिस, वेनिस के ड्यूक हैं। दूसरे नंबर पे जो कैरेक्टर हैं ब्रेबेंशियो, ब्रेबेंशियो कौन है, ये एक सेनेटर हैं। तीसरे नंबर पे कैरेक्टर जो है लोडोविक, लोडोविक कौन है, ये किंग्समैन टू ब्रेबेंशियो, ये ब्रेबेंशियो के किंग्समैन हैं। ओके, अगला जो कैरेक्टर है ग्रेशियानो, ग्रेशियानो कौन है, ये ब्रेबेंशियो के भाई हैं, ब्रदर टू ब्रेबेंशियो। नेक्स्ट जो कैरेक्टर हैं इस प्ले के हीरो बोल सकते हैं, हीरो प्रोटैगनिस्ट ओथेलो, अ नोबल मूर इन द सर्विस ऑफ वेनिस, ये एक नोबल मूर हैं, किसमें, वेनिस की सर्विस में हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है कैशियो, कैशियो कौन है, ये यागो का ल्यूटिनेंट है, हिज ल्यूटिनेंट यागो, ठीक है। और रोड्रिगो कौन है, रोड्रिगो एक वेनेशियन जेंटलमैन है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है मोंटेनो, ये ओथेलो के प्रीडेसर है इन द गवर्नमेंट ऑफ साइप्रस। नेक्स्ट वन जो है डेस्डिमोना, डेस्डिमोना कौन है, ये ब्रेबेंशियो की डॉटर है और वाइफ टू ओथेलो, ओथेलो की बीवी है। इमिलिया कौन है, वाइफ टू यागो, ये यागो की वाइफ है। एंड बाइंग का मिस्ट्रेस टू कैसियो, ये कैसियो की बिलबड रहती हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, ये कैसियो की बिलबड रहती है बायंका। अब हम इसके समरी पे आते हैं, हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से ये पढ़ेंगे। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो आप खुद पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगी पूरी स्टोरी। अगर आप ओथेलो को एकदम कंप्लीट इसकी समरी जानना चाहते हैं, तो इस पे एक बेस्ड ओमकारा मूवी है, ओमकारा, अगर आप इसको देखते हैं तो बहुत ही एकदम क्लियर हो जाएगा ये प्ले। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओथेलो प्रमोट्स कैसियो टू द पोस्ट ऑफ ल्यूटिनेंट, ओथेलो क्या करते हैं, कैसियो को ये पोस्ट ऑफ ल्यूटिनेंट की उपाधि देते हैं, मतलब कैसियो को लेफ्टिनेंट के पद पर प्रमोट कर देते हैं। और वहीं पे यागो जो है, यागो को इस बात से बहुत बुरा लगता है, क्योंकि यागो खुद बनना चाहता है, वो चाहता था कि ओथेलो मुझे लेफ्टिनेंट के पद पर प्रमोट करें, बट ओथेलो क्या करते हैं, कैसियो को प्रमोट कर देते हैं, और इस बात से नाराज यागो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाता है इस बात से, और इस बात से वो कंप्लेन करता है रोड्रिगो को दैट ओथेलो हैज़ नॉट डन जस्टिस टू हिम। इस बात से नाराज यागो वो रोड्रिगो से शिकायत करता है कि ओथेलो ने उसके साथ अच्छा नहीं किया, ओथेलो ने उसके साथ न्याय नहीं किया। ही वॉन्ट्स टू टेक रिवेंज और इस बात का वो बदला लेगा। ओथेलो हैज सीक्रेटली मैरिड डेस्डिमोना, इधर ओथेलो क्या कर लेता है, डेस्डिमोना से गुप्त रूप से शादी कर लेता है। सो यागो आस्क रोड्रिगो टू टेल ब्रेबेंशियो फादर ऑफ डेस्डिमोना अबाउट द सीक्रेट मैरिज, इसलिए यागो क्या करता है, रोड्रिगो को बताता है कि चलो ब्रेबेंशियो को बता दिया जाए, ब्रेबेंशियो कौन है, डेस्डिमोना के पिता हैं, और इस सीक्रेट मैरिज के बारे में बता दिया जाए। ये कौन कहता है, यागो रोड्रिगो को बताता है, क्योंकि रोड्रिगो भी पसंद करता है डेस्डिमोना को, डेस्डिमोना से शादी करना चाहता है। ही नोज दैट ब्रेबेंशियो विल बी अगेंस्ट दिस मैरिज बिकॉज ओथेलो इज मोर, वह जानता था, वो अच्छी तरह जानता था यागो कि ब्रेबेंशियो इस शादी के खिलाफ है, क्योंकि ओथेलो क्या है, एक मूर है, एक मतलब मूर है, ठीक है। तो देर इज अ हॉट डिस्कशन रेदर कन्फ्रंटेशन बिटवीन ओथेलो एंड ब्रेबेंशियो, तो यहाँ पे ओथेलो और ब्रेबेंशियो के बीच एक हॉट डिस्कशन होता है, एक गर्म चर्चा होती है, बल्कि टकराव भी होता है, ये भी याद रखना है, बल्कि उन दोनों के बीच में टकराव भी होता है। ब्रेबेंशियो गोज टू मीट द ड्यूक एंड पुट्स द केस बिफोर हिम, वो मतलब ब्रेबेंशियो का कहना है तुमने मेरी बेटी को बहला फुसला लिया है, वरना तुम कहाँ मेरी बेटी कहाँ, ठीक है, क्योंकि इसको पसंद नहीं, क्योंकि ये काला मूर है इस वजह से। तो इसी बात से नाराज ब्रेबेंशियो क्या करते हैं, वो ड्यूक के पास जाते हैं और अपना केस, अपना जो मामला है वो ड्यूक के सामने रखते हैं कि ऐसी सी बात है, मेरी बेटी को इसने क्या किया है, और मतलब बहला फुसला कर ये अपने साथ शादी कर लिया है। द ड्यूक समन्स ओथेलो, और इस बात से जब ड्यूक सुनते हैं तो वो ओथेलो को बुलाते हैं एंड आस्क हिम टू पुट हिज साइड, और वो उसकी साइड मतलब वो जब इस बात सुनते हैं ना, तो वो फिर ओथेलो को बुलाते हैं
ड्यूक ओथेलो को बुलाते हैं और कहते हैं कि अपना पक्ष सामने रखो, तुम्हारा क्या कहना है। डेस्डिमोना एंड ओथेलो लव ईच अदर डिस्पाइट दियर डिफरेंसेस। डेस्डिमोना और ओथेलो अपने मतभेदों के बावजूद वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। द ड्यूक सेंड्स ओथेलो टू साइप्रस टू स्टॉप अ टर्किश इन्वेशन। इधर ड्यूक क्या कर देते हैं, ड्यूक तुर्की के आक्रमण को रोकने के लिए ओथेलो को साइप्रस भेज देते हैं। ही गिव्स डेस्डिमोना हिज परमिशन टू ट्रेवल विद ओथेलो, और वह डेस्डिमोना को ओथेलो के साथ यात्रा करने की अनुमति भी दे देते हैं। ठीक है, अब ये लोग जा रहे हैं टर्किस का जो हमला हुआ है वहाँ पे। ओथेलो लीव्स, ओथेलो चला जाता है, अकेले चला जाता है। ही आस्क यागो टू ब्रिंग डेस्डिमोना विद हिम, वह डेस्डिमोना से कहते हैं कि तुम डेस्डिमोना के लेके चले जाओ। वह डेस्डिमोना को ओथेलो के साथ यात्रा करने की अनुमति दे देते हैं। उधर ओथेलो चला जाता है और वह यागो से डेस्डिमोना को अपने साथ लाने के लिए कहता है। कौन कहता है, ओथेलो कहता है। ओथेलो कहता है यागो से कि डेस्डिमोना को अपने साथ ले आओ मेरे पास। यागो परसुएड रोड्रिगो टू कम टू साइप्रस विद मनी। इधर यागो क्या करता है, रोड्रिगो को पैसे लेकर साइप्रस आने के लिए राजी करता है। ये रोड्रिगो से पैसे भी खाता है यागो, ये बोल बोल कर कि मैं तुम्हारी शादी डेस्डिमोना से करा दूंगा, और यही बोल बोल के इसे पैसे भी खाता रहता है। ही हैज़ अ प्लान, उसके पास एक प्लान है, एक योजना है। ही विल गेट डेस्डिमोना फॉर हिम, वह उसके लिए डेस्डिमोना लाएगा। ये बात कौन कहता है, यागो कहता है रोड्रिगो को कि तुम पैसे लेकर आ जाओ, मेरे पास एक प्लान है और मैं तुम्हारे लिए डेस्डिमोना लाऊंगा। ही रिवील्स हिज हेटेड फॉर ओथेलो, वह ओथेलो के प्रति अपनी नफरत भी प्रकट करता है। ही हैड्स अ प्लॉट फॉर ओथेलोस डिस्ट्रक्शन, वह एक साजिश रचता है ओथेलो को विनाश के लिए, यानी कि ओथेलो को बर्बाद करने के लिए वह यहीं से एक साजिश रच लेता है। इधर क्या होता है, साइप्रस में क्या होता है, कैसियो अराइव्स इन साइप्रस, कैसियो साइप्रस में आता है। यागो एंड डेस्डिमोना कम आफ्टर हिम, उसके पीछे यागो और डेस्डिमोना भी आते हैं। देन ओथेलो कम्स, तभी ओथेलो आ जाता है। द टर्किश फ्लीट इज डिस्ट्रॉयड इन अ स्टॉर्म, जो तूफान में तुर्की का जो बेड़ा है वो नष्ट हो गया है। इट इज़ टाइम फॉर सेलिब्रेशन, और ये जश्न का समय है। यागो मेक्स कैसियो ड्रिंक, अब इधर यागो अपनी चाल चलने लग जाता है। यागो क्या करता है, कैसियो को खूब ज़्यादा ड्रिंक पिला देता है। ही इंसाइट्स रोड्रिगो टू बिगिन अ क्वेरल विद कैसियो, और इधर रोड्रिगो के पास आता है और रोड्रिगो को कैसियो के साथ झगड़ा शुरू करने के लिए उकसाता है। ठीक है, और कैसियो इन हिज ड्रंकन स्टेट अटैक्स मोंटेनो, और जो कैसियो है वो क्या होता है, कैसियो नशे की हालत में साइप्रस के गवर्नर मोंटेनो पर हमला कर देता है। ये मोंटेनो कौन है, साइप्रस गवर्नर है। और ओथेलो बिकम्स एंग्री एंड डिसमिसेस कैसियो, इस बात से जब वो देखता है कि कैसियो ने नशे की हालत में मोंटेनो पे अटैक कर दिया है जो कि साइप्रस का गवर्नर है, और इस बात से जब ये सब देखता है ओथेलो, वो गुस्सा हो जाता है और कैसियो को डिसमिस कर देता है लेफ्टिनेंट के पद से, ये याद रखिएगा। ओके, यागो वांट्स टू मेक ओथेलो बिलीव दैट डेस्डिमोना इज अनफेथफुल। इधर यागो अभी भी अपनी चाल कामयाब कर रहा है, वो अभी रुका नहीं है, अभी भी वो अपनी चाल को आगे बढ़ा रहा है। इधर ये ओथेलो को यकीन दिला देता है कि जो तुम्हारी पत्नी है डेस्डिमोना वो अनफेथफुल है, बेवफा है। ही परसुएड कैसियो टू गो टू डेस्डिमोना फॉर हर फेवर, फिर ये कैसियो के पास आता है, कौन, यागो, कि तुम डेस्डिमोना से अपने पक्ष के लिए बात करो। वह कैसियो को उसके पक्ष में डेस्डिमोना के लिए मनाता है कि जाओ डेस्डिमोना से तुम कहो और वो तुम्हारे लिए ओथेलो से बात करेगी तो तुम्हारा पद तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, ये यागो कैसियो से कहता है। ही रिक्वेस्ट हर टू प्लीड हिज केस, वो कहता है, वो उससे अपने मामले की पैरवी करने के लिए अनुरोध करता है। यागो सम हाउ, इधर ये आ जाता है बेचारा अपने मामले की पैरवी करने के लिए, उसे अनुरोध करता है। और यागो सम हाउ मेक्स ओथेलो बिलीव दैट कैसियो इज डेस्डिमोनास लवर, और अनुरोध करता है यागो किसी तरह ओथेलो को ये विश्वास दिला देता है कि जो कैसियो है वो डेस्डिमोना का प्रेमी है। और ओथेलो क्या करता है, वो यागो पे ट्रस्ट भी कर लेता है। ही सफर्स फ्रॉम जेलसी, और वो क्या हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा मतलब ईर्ष्या से ग्रस्त हो जाता है, उसको ईर्ष्या होने लग जाती है क्योंकि वो यकीन कर लेता है कि वाकई में कैसियो डेस्डिमोना का लवर है। और ही प्रमोट्स यागो, वो यागो को और बढ़ावा देता है। जब वो उसकी बात पे यकीन कर लेता है तो क्या हो जाता है, उसको बढ़ावा मिलता है कि हाँ मेरा जो प्लान है वो काम कर रहा है। ही आस्क हिम टू हेल्प हिम इन किलिंग कैसियो एंड डेस्डिमोना, अब इधर ओथेलो क्या करता है, उससे सहायता मांगता है कि मुझे तुम्हारी सहायता की ज़रूरत है कैसियो और डेस्डिमोना को मारने के लिए। ठीक है, अब इधर क्या होता है, यागो कहता है, यागो हैज़ अ प्लान, इस बात पे यागो कहता है मेरे पास एक योजना है।
ठीक है, मेरे पास एक योजना है. ही रिक्वेस्ट हिज वाइफ इमिलिया टू गेट डेस्डिमोनाज हैंडकरचीफ. अब इमिलिया क्या रहती है, डेस्डिमोना की सर्वेंट रहती है, मतलब इसके लिए काम करती है. तो यागो ओथेलो क्या सॉरी यागो क्या करता है, अपनी वाइफ इमिलिया से कहता है तुम जाओ और उसके कमरे में उसके जो हैंडकरचीफ है, उसके जो रुमाल है, वो ला के मुझे दे दो. ठीक है, ये कौन कहता है, यागो कहता है. यागो ड्रॉप्स द हैंडकरचीफ इन कैशियोस रूम. उसके बाद जब उसकी पत्नी ले आती है वो रुमाल, तो ये क्या करता है, कैशियो के रूम में ले जाके रख देता है. कैशियो गिव्स द हैंडकरचीफ टू बैंका. कैशियो को जब वो रुमाल मिलता है तो कैशियो वो रुमाल किसको दे देता है, बैंका, अपने बिलवड बैंका को दे देता है. यागो टेल्स ओथेलो दैट डेस्डिमोना हैज़ गिवन द हैंडकरचीफ टू कैशियो. और इधर जब सब काम खत्म कर लेता है ना, तो आके ओथेलो से कहता है कि डेस्डिमोना ने जो तुम्हारी दी हुई रुमाल है वो कैशियो को दे दिया है. ओथेलो डिमांड द हैंडकरचीफ फ्रॉम डेस्डिमोना. इस बात से ओथेलो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो डेस्डिमोना के पास आता है और अपना रुमाल मांगता है. ही बिकेम एंग्री व्हेन शी फेल्स टू प्रोड्यूस इट. वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जब वो रुमाल उसके सामने दे नहीं पाती है, और इस बात से बहुत ज़्यादा वो गुस्सा हो जाता है, वो उसे प्रस्तुत नहीं कर पाती है तो वो गुस्सा हो जाता है. ठीक है, और ही अब्यूजेज हिज वाइफ. वो क्या करता है, अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने लग जाता है, उल्टा सीधा बोलने लग जाता है. यागो इधर यागो क्या करता है, यागो परसुएड रोड्रिगो टू किल कैशियो. यागो की अभी चाल कामयाब, मतलब अभी भी ये चाल चलता ही जा रहा है. इधर ये क्या कर रहा है, रोड्रिगो को मनाता है कैशियो को मारने के लिए. रोड्रिगो मारने की कोशिश भी करता है कैशियो को, बट इट गोज रॉन्ग, लेकिन गलत हो जाता है, मार नहीं पाता है. उल्टा कैशियो क्या करता है, रोड्रिगो को घायल कर देता है. यागो स्टेप्स कैशियो. अब यागो क्या करता है, कैशियो को स्टैप कर देता है, चाकू मार देता है. कैशियो क्राइज, कैशियो रोता है. ओथेलो हियर्स एंड गेसेस दैट यागो हैज़ किल्ड कोसियो. ये सब ओथेलो सुनता रहता है और अनुमान लगाता है कि लग रहा है यागो ने कैशियो को मार दिया है. ठीक है, आगे देखेंगे. ही गोज होम टू किल डेस्डिमोना. अब ये क्या करता है, कैशियो तो मर गया, अब मुझे अपना प्लान करना है, मुझे डेस्डिमोना को मारना है. और वो डेस्डिमोना को मारने के लिए घर आ जाता है. यागो किल्स रोड्रिगो. यागो क्या करता है, रोड्रिगो को मार देता है. ओथेलो स्ट्रैंगलेस डेस्डिमोना इन हर बेड. यागो क्या करता है, सॉरी ओथेलो क्या करता है कि वो डेस्डिमोना को उसके बेड पर ही गला घोट देता है. ठीक है, उसके बिस्तर पर ही गला घोट देता है, मतलब ओथेलो ने डेस्डिमोना के उसके बिस्तर में गला घोट दिया है. ठीक है, इमिलिया इंटर्स. और जब वो मारता रहता है तभी इमिलिया आ जाती है. डेस्डिमोना रिवाइव्स फॉर अ मोमेंट. एक मोमेंट के लिए डेस्डिमोना मरती नहीं है, दोबारा से मतलब जीवित ही रहती है. सी डिक्लेयर दैट सी इज़ गिल्टलेस. और वो घोषणा करती है कि वो निर्दोष है, गिल्टलेस है. सी डिक्लेयर दैट ओथेलो इज इनोसेंट ऑफ हर डेथ. वो ये भी घोषणा करती है कि ओथेलो उसकी मौत के लिए निर्दोष है. देन सी डाइज. उसके बाद इतना बोल के वो मर जाती है. यागो एंड अदर्स एंटर. तभी जब वो मर जाती है तो यागो और बाकी लोग भी कमरे में आ जाते हैं. इमिलिया टेल्स ओथेलो एंड डेस्डिमोना इज इनोसेंट. और जब ये मर जाती है तो इमिलिया ओथेलो को बताती है कि जो तुम्हारी पत्नी है डेस्डिमोना वो इनोसेंट है, निर्दोष है. और यागो इज़ बिहाइंड द प्लॉट. और इस पूरे साजिश के पीछे यागो का हाथ है, उसने ही सब कुछ ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग किया है. यागो क्या करता है, इमिलिया को भी अपनी वाइफ को भी मार देता है. ओथेलो रियलाइज हिज मिस्टेक. ओथेलो को अपनी गलती का एहसास होता है. ही लिमेंट्स. वो विलाप करता है कि मुझसे इतनी बड़ी गलती क्यों हो गई. ही स्टेप्स यागो ओनली टू वुंड हिम. वो सिर्फ यागो को घायल करने के लिए उस पर चाकू से वार किया है. ही कंडम्स हिमसेल्फ एंड कमिट्स सुसाइड. वो अपने आप की निंदा करता है, मतलब स्वयं की निंदा बहुत करता है, और फिर देन क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है. यागो इज टेकन अवे. यागो को ले जाया जाता है. लोडोविक क्या करते हैं, कैशियो को पावर टू रूल इन साइप्रस. लोडोविक कैशियो को साइप्रस में शासन करने की शक्ति देते हैं, मतलब पावर दे देते हैं साइप्रस में शासन करने का. हेयर द प्ले एंड्स. और इस तरह ये जो प्ले है वो ख़त्म हो जाता है. तो ये था ओथेलो का, हमने लाइन बाय लाइन पढ़ लिया है. आपको कैसा लगा, आई नो कि ये अगर आप ये खुद पढ़ते हैं ना तो और भी क्लियर हो जाएगी स्टोरी आपको. यहाँ पे आपने देख लिया कैरेक्टर्स, देन आपने पढ़ लिया. इसके बाद हम जो इसके रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे वो करने वाले हैं. इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे हीना इंग्लिश क्लासेस से ज्वाइन हो सकते हैं, एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे भी. और इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दोनों ही लिंक दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं. ओके, और फर्स्ट टाइम जो चैनल को वॉच कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय. और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए.